गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आप लोग कैसे हो, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो सो गाइस आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, आज है 26 नवंबर। तो आज के दिन लग रहा है नंदमहल में विराट महाकुंभ मेला। तो देख सकते हो हम पहुँच गए हैं नंदमहल धाम में। तो चलो सबसे पहले आप लोगों को मंदिर परिसर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद पूरे मेले का व्यू इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। सो गाइस देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है और नंद बाबा के यहाँ भक्तों की कितनी लंबी कतार लग चुकी है। एक भाई एक श्रद्धालु आते जा रहे हैं और नंद बाबा का जयकारा लगाते जा रहे हैं, और इसके चारों तरफ दुकानें जो हैं सज चुकी हैं फूल मालाएं की। तो चलो हम चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा देखने को मिलता है। तो देख सकते हो नंद बाबा के धाम में और राजा बल पावरिया के धाम में कितनी तेज़ से भीड़ लगी हुई है, और देख सकते हो काफ़ी सारे भक्त लोग यहाँ पर अगरबत्ती दीपक जला रहे हैं, और काफ़ी सारे भक्तों के ऊपर राजा बल पावरिया की सवारी आ गई है। आप लोग देख सकते हो राजा बल पावरिया की जब सवारी आती है तो कितने अच्छे से खेलते हैं, और यहाँ पर चारों तरफ का नज़ारा जो देखने को मिल रहा है कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर जिलों से लोग, जैसे हो गया अयोध्या, जौनपुर, सीतापुर, भैयाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी में तो स्थित ही है, बाकी प्रतापगढ़ हो गया, उसके बाद में काफ़ी सारे दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है 2 दिन का यादव महाकुंभ विराट मेला। तो देख सकते हो राजा बल पावरिया की सवारी इन भक्तों के लोग ऊपर आ चुकी है। तो देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा देखने को आप लोगों को मंदिर परिसर के अंदर मिल रहा होगा। और जो बाहरी यात्री और बाहरी भक्त लोग यहाँ नंद बाबा धाम में आना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप लोग चाहे ट्रेन से आइए, चाहे हेलीकॉप्टर से आइए, चाहे बस से आइए, तो आप लोगों को सभी प्रकार की सुविधा देखने को मिलेगी। तो आप लोग यदि ट्रेन से आते हैं तो हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ जाएगा लखनऊ चारबाग। तो लखनऊ चारबाग से आप लोगों को सीधा बस मिल जाएगी यहाँ मुसाफिर खाना के लिए। तो आप लोग मुसाफिर खाना से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नंद बाबा धाम। मुसाफिर खाना से आप लोग गौरीगंज टू मुसाफिर खाना रोड पर आओगे तो नंदमहल चौराहा पड़ जाएगा। तो वहीं के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये नंद बाबा का धाम स्थित है। और यदि आप लोग इस साइड से आना चाहे तो प्रतापगढ़ रायबरेली के साइड से, तो आप लोगों को आना पड़ेगा गौरीगंज रेलवे स्टेशन। तो गौरीगंज रेलवे स्टेशन से आप लोग ऑटो, बैटरी ई रिक्शा और काफ़ी बसें, सभी प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से भी सीधा आएंगे गौरीगंज टू मुसाफिर खाना रोड पे, जो कि गौरीगंज से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आएगा बाबा नंदमहल चौराहा। तो नंदमहल चौराहा से उतर कर आप लोग सीधा नंद बाबा के दर्शन जाकर कर सकते हो। और एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन की सुविधा हमारे लखनऊ में मिलेगी आप लोगों को। तो वहां से भी आप लोग चाहे जहां से भी आना चाहते हो, आप लोगों को सभी प्रकार की सुविधा यहां पर मिलेगी। और रोड पर देख सकते हो कितने सारे भक्त लोग आ रहे हैं झंडा लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए, काफ़ी सारे दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। तो चलो इसके बाद हम आप लोगों को इस मेले का व्यू दिखाएंगे, मेले के अंदर क्या से क्या सुविधा आपको मिलेगी, क्या से क्या चीज़ की दुकानें मिलेगी, सब कुछ दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देख सकते हो रात्रि का समय हो चुका है, तो यहाँ पर बच्चों के एक्टिविटी के लिए काफ़ी सारे झूले और काफ़ी सारे चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर आप लोग बच्चों को लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं देखने को मिल रही होंगी। तो देख सकते हो भोर के टाइम में कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, अभी कोहरा थोड़ा थोड़ा सा पड़ रहा है, भक्त लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे सुबह का टाइम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर भक्तों की तादाद बढ़ती ही जाएगी। इस मेले में देख सकते हो बांसुरी भी बिक रही है, और साइड में आप लोग आइए मिठाई भी लीजिए, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो भक्त के ऊपर राजा बल पावरिया की सवारी आ चुकी है।
तो देख सकते हो मेला परिसर के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिल रही होंगी। तो चलो इस दुकानों को हम एक्सप्लोर करते हैं, किस किस चीज़ की दुकान लगी हुई है। देख सकते हो यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारे खिलौने की दुकानें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आप लोग आइए अपने बच्चों के साथ और यहाँ मेले का इंजॉय कीजिए और यहाँ पर ख़रीदारी भी कीजिए। इस साइड में देख सकते हो लेडीज की सारी सामान यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और इस साइड में देख सकते हो कढ़ाई तावा और घरेलू सामान से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बहुत आराम से सस्ते दामों में मिल जाएंगी। यहाँ पर हर माल 50 रुपये में मिल रहा है। देख सकते हो काफ़ी बड़ी शॉपें भी है, यहाँ पर भी आप कुछ खरीदारी कर सकते हो। तो चलो आगे चलते चलते हम देखते हुए इस मेले का नज़ारा में देख सकते हो राजा बलपावर एक सवारी आ गई है इन नगाड़ों की घन्नाथ पर। इतने अच्छे से सवारी आती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर खेलने में भी मज़ा आता है भक्तों को राजा बलपावरिया की जब सवारी आती है। देख सकते हो हमारे सामने जस्ट चल रहा है राजा बलपावरिया की सवारी। सबसे ऊपर से चढ़ने के बाद इस मेले का नज़ारा जो देखने को मिल रहा होगा आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है और कितना दूर में ये मेला लगता है। ये साल में केवल एक ही बार मेला लगता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी प्रकार की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। जो सामान की आप लोगों को आवश्यकता होगी आप लोग यहाँ से आकर ख़रीदारी कर लीजिए। तो ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, उसके बाद बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट इसी चैनल पर देखने को मिल